राजस्थान का एक बेहद आकर्षक शहर उदयपुर, जो आज बन चुका है राजस्थान की फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक, और इसकी वजह है यहाँ मौजूद ऐसे कई ऐतिहासिक महल जिन्हें देखकर एक बार को आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। साथ ही ये शहर है कई खूबसूरत झीलों का, जिसकी वजह से उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो में इस ऐतिहासिक शहर को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं यहाँ की कुछ घूमने लायक जगहों के बारे में। आइए सफर की शुरुआत करते हैं उदयपुर की पिछोला झील से, जहां बोटिंग और फोटोग्राफी करने का मजा ही कुछ अलग है। सूर्यास्त के समय तो ये झील और भी खूबसूरत लगने लगती है, जब झील के पानी में सूरज की लालिमा साफ देखी जा सकती है। यहां झील के बीचों बीच से सिटी पैलेस का नजारा बहुत ही शानदार दिखता है। पिछोला झील में बोटिंग करने के लिए आपको 400 रुपीज पर पर्सन खर्च करने होते हैं, और अगर वहीं आप शाम को सनसेट व्यू देखते हुए बोटिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको 750 रुपीज खर्च करने होंगे। अब आइए जानते हैं सिटी पैलेस के बारे में। इस महल के विशाल होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर 11 और भी महल और साथ ही आंगन, गलियारे, मंडप, टावर और हैंगिंग गार्डन भी मौजूद हैं, जो इस पैलेस को खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। इस पैलेस को बनवाने की शुरुआत महाराणा उदय सिंह ने करवाई। इसके बाद कई और शासकों ने अपने अपने शासनकाल में इसे बनवाया। यहाँ अंदर आपको देखने को मिलेंगी सुंदर पेंटिंग्स, एंटीक फर्नीचर और सुंदर टाइल्स से सजी दीवारें। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो ये जगह फेमस है यहाँ के हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी के लिए। झीलों की नगरी उदयपुर में मौजूद और सिटी पैलेस से बस कुछ ही दूर पर है जगदीश मंदिर, जहाँ जगन्नाथ के रूप में भगवान विष्णु करते हैं भक्तों का कल्याण। सालों साल पुरानी इस मंदिर की शिल्पकारी और मंदिर में मौजूद भगवान की भव्य मूर्त को देखने दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। करीब 400 साल पुराने इस मंदिर की स्थापना उदयपुर के तत्कालीन महाराजा जगत सिंह प्रथम ने की थी, और आज ये मंदिर अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उदयपुर की ऐसी ही ऐतिहासिक इमारतों में एक नाम है लेक पैलेस का। न सिर्फ उदयपुर बल्कि पूरे राजस्थान की शान ये 5-स्टार होटल कभी महाराणा जगत सिंह का महल हुआ करता था, लेकिन आज इसे एक होटल में तब्दील कर दिया गया है। पिछोला झील के बीचों बीच मौजूद ये महल पहले जग निवास के नाम से जाना जाता था, जिसे 1743 में महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था। आज इस 65 कमरों वाले होटल को शाही अंदाज में सजा दिया गया है, जहां यहां पर आज गेस्ट को 5-स्टार लेवल की सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। यहां टूरिस्ट बोटिंग ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो आप भी यहां सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक बोटिंग कर सकते हैं। उदयपुर शहर के फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक जग मंदिर भी है। यहाँ का ब्यूटीफुल इंटीरियर, ग्रैंड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और यहाँ तालाब के किनारों पर एक पंक्ति में पत्थर से बने हुए कई सारे हाथी, मानो इस शाही महल में आपका स्वागत करने के लिए खड़े हों। इस महल से तालाब का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखता है, और साथ ही आप यहाँ के आसपास बिल्कुल शांत वातावरण में बोट राइड का मजा भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर ओपनिंग आवर्स की बात करें तो जग मंदिर सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। अब आइए जानते हैं अरावली पर्वतमाला पर स्थित सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में, जिसे कि मानसून महल भी कहा जाता है। सुंदर सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत देखने में बिल्कुल एक आलीशान महल जैसी लगती है। कहा जाता है कि बरसात के बादलों को अच्छे से देखा जा सके, इसीलिए मेवाड़ राजवंश के महाराणा सज्जन सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। आप यहां से पिछोला लेक और साथ ही उदयपुर शहर के अद्भुत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। यहां पास में ही सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो आप यहां पर आकर अपने ट्रिप को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। राजस्थान के खूबसूरत झीलों में से एक फतेह सागर झील है, जो पहाड़ी और जंगलों से घिरी हुई होने के कारण और भी आकर्षक नजर आती है। पिछोला झील के उत्तर में मौजूद इस मानव निर्मित झील का निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा कराया गया था। यहाँ 3 छोटे छोटे द्वीप हैं, जहाँ आप बोट राइड करते हुए पहुँच सकते हैं, जहाँ पब्लिक पार्क, फव्वारे, सोलर वैधशाला और भी बहुत कुछ देखने लायक है। तो अगर आप
उदयपुर आते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक दिन में ही आप इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आइए उदयपुर में ही मौजूद करनी माता मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर आकर आप करनी माता के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ ऊंचाई पर मौजूद होकर यहाँ से उदयपुर शहर और पिछोला झील के खूबसूरत नज़ारे भी ले सकते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए पाथवे बना हुआ है, जिस पर 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद आप मंदिर तक पहुँचते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए दूध तलाई से रोपवे की सुविधा भी है, जहाँ से आप अरावली की सुंदर पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। उदयपुर में ही फतेह सागर झील के किनारे पर मौजूद संजय गांधी पार्क है, जहां इसके अंदर देखने को मिलती है खूबसूरत हरियाली और यहां पर लगे पानी के फव्वारे। यहां की सबसे अच्छी बात है कि अंदर आने के बाद यहां पर कोई एंट्री फीस नहीं देनी पड़ती, इसी वजह से यहां पर लोगों की चहल पहल हमेशा देखने को मिलती है। उदयपुर में मौजूद एक और भी हिंदू मंदिर है अम्बा माता मंदिर, जिसकी लोगों के बीच काफी मान्यता है और यहाँ भक्त माँ के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। सफेद संगमरमर से बना हुआ यह मंदिर और मुख्य हॉल में रंगीन ग्लास के साथ लगा हुआ दरवाजा इस मंदिर को और भी खूबसूरत बना देता है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था और यह माना जाता है कि महाराजा राज सिंह गुजरात में मौजूद अंबिका माता के मंदिर के दर्शन के लिए गए थे और इसके बाद उनके सपने में माँ ने उदयपुर में भी मंदिर का निर्माण करवाने के लिए कहा और इसी कारण माँ अम्बे के निर्देश पर महाराजा ने उदयपुर में भी अम्बा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये थी उदयपुर की कुछ प्रमुख घूमने लायक जगहें। इसके अलावा भी यहाँ कई और भी घूमने लायक जगहें हैं, जैसे सिटी पैलेस से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित विंटेज और पुरानी कारों का संग्रहालय है, जहाँ पर करीब 2 दर्जन कारें टूरिस्ट के देखने के लिए रखी हुई हैं। गुलाब बाग, जहाँ इस बाग में खूबसूरत फूल, चिड़ियाघर, टॉय ट्रेन जैसी बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सहेलियों की बाड़ी, जिसे महाराजा उदय सिंह ने शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनवाया था। आज यहाँ पर हरे भरे पेड़ फव्वारे टूरिस्ट को लुभाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और बाकी ट्रैवल रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।